कानूनी कहावत है, न्याय में देरी न्याय से वंचित है। नमस्कार, मैं प्रिया तायर, आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज निश्चय। हमारे खास शो राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा है न्यायिक सुधार से जुड़ा हुआ। देश में लोगों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। भारत की जेलों में बंद कैदियों में से 50% से ज्यादा कैदी विचार अधीन है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि देश में देरी से मिलते न्याय की वजह से कितने लोग मानसिक रूप से परेशान होंगे। एक तो वो जो कि जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ उनसे जुड़े परिवार के सदस्य भी। देश में क्यों लोगों को न्याय समय पर नहीं मिल पा रहा है और लोगों को जो कैदी हैं उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, आखिर इन सब की क्या वजह है और देश के न्याय में कितने सुधार की जरूरत है, यानी कि देश की न्यायिक सुधार में कितनी जरूरत है और वो क्यों नहीं हो पा रहा है, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। भारत देश की अदालतों पर निलंबित मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह से स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है। देश की अदालतें जादू टोना का घर बनी हुई हैं। अंग्रेजों की बनाई न्याय व्यवस्था अभी तक ज्यों की त्यों चल रही है। एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राजाओं के समय कोई भी घंटी बजाकर न्याय की गुहार कर लेता था, लेकिन अब न्याय हासिल करना बहुत खर्चीला हो गया है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गरीबों का पहुंचना नामुमकिन हो गया है। अगर हम निलंबित मामलों के आंकड़ों की बात करें तो देश की अलग अलग अदालतों में 4,70,00,000 से ज्यादा मामले निलंबित हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट में 2 मार्च 2020 तक 70,154 मामले निलंबित थे। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपने लिखित जवाब में बताया कि 25 उच्च कोर्ट में 21 मार्च तक 58,94,060 मामले निलंबित थे। इसमें अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में निलंबित मामलों का आंकड़ा नेशनल जुडिशियरी डाटा ग्रिड के पास उपलब्ध नहीं है। कानून मंत्री ने कहा कि निलंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित अदालतों द्वारा विभिन्न तरह के मामलों का निपटारा करने के लिए कोई समय सीमा प्रस्तावित नहीं है। ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते मामलों पर फैसला सुनाने में देरी हो सकती है, जिनमें जजों के खाली पद, बार बार संगठन और निगरानी व ट्रैक करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है। एटर्नी जनरल के मुताबिक देश भर के हाई कोर्ट में अभी 42,00,000 मामले पेंडिंग हैं। इनमें 16,00,000 केस क्रिमिनल मामलों से जुड़े हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन ने कहा कि देश भर में 2016 में 2,65,00,000 केस पेंडिंग थे, लेकिन अब निलंबित मामलों की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इस तरह से करीब 54% मामलों में पेंडेंसी बढ़ गई है। इन करोड़ों मामलों की सुनवाई जजों को ही करनी है, लेकिन देश की आबादी और मुकदमों की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जजों की संख्या काफी कम है। यहां तक कि पहले से मंजूर कई पदों पर नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन का कहना है कि साल 2016 से 20,811 पदों के लिए मंजूरी थी, तब से लेकर अब तक स्वीकृति पदों में केवल 16% बढ़ोतरी की गई है। हमारे देश में प्रति 10,00,000 लोगों में 20 जज हैं। वहीं सभी हाई कोर्ट के डाटा को मिलाकर देखें तो इनमें अप्रैल 2022 तक जजों के कुल 1,104 पद स्वीकृति थे। सभी हाई कोर्टों को मिलाकर अभी 715 जज कार्यरत हैं, यानी हाई कोर्ट में जजों के 385 से ज्यादा पद खाली हैं। यहाँ तक कि हाई कोर्ट की बात है तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। वहाँ जजों के कुल 160 पद स्वीकृत हैं। अभी वहाँ 94 जज हैं, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 67 जजों की कमी के साथ काम हो रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली की ओर देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट में जजों के 60 पदों की मंजूरी है, लेकिन अभी यहां 35 जज काम कर रहे हैं, यानी 25 पद दिल्ली हाई कोर्ट में भी खाली पड़े हैं। अब बात करते हैं देश के सबसे पुराने हाई कोर्ट यानी कोलकाता हाई कोर्ट की।
वहां जजों के 72 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 69 भी भरे गए हैं। इस तरह कोलकाता हाई कोर्ट में जजों के 33 पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तो बात हो गई, लेकिन न्याय व्यवस्था की पूरी सीरीज में सबसे अहम कड़ी है निचली अदालतें, जिनके दरवाजे आम आदमी सबसे पहले खटखटाता है। देश भर की निचली अदालतों में जजों के कुल स्वीकृत पद हैं लगभग 24,000, लेकिन उनमें से अभी 5,000 पद खाली हैं। आंकड़े खुद बता रही हैं कि जजों पर काम का किस तरह का बोझ है और मामलों के निपटारे में देरी क्यों होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सम्मेलन में जानकारी दी थी कि 3,05,000 से ज्यादा विचाराधीन कैदी जेलों में बंद हैं। ये ऐसे कैदी हैं जो अदालतों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। विडम्बना ये है कि देश में ज्यादातर कैदी अंडर ट्रायल हैं। भारत की कैदियों की संख्या में 62% आबादी विचाराधीन कैदियों की है और इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार का नंबर आता है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जेलों में बंद हर 4 में से 3 कैदी ऐसे हैं जिन्होंने विचाराधीन कैदी के तौर पर जाना जाता है। सरल शब्दों में समझे तो इन कैदियों पर जो आरोप लगे हैं उनकी सुनवाई कोर्ट में अभी चल रही है और आरोप साबित नहीं हुए हैं। हालात ये है कि जिला जजों में कैदी 136% की दर से रह रहे हैं, यानी कि जगह 100 कैदियों की है और 136 लोग रह रहे हैं। उनमें से अधिकांश लोग गरीब और सामान्य परिवार से आते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना अपराध के जेल में सजा काट रहे लोग और उनके परिवार पर क्या गुजर रही होगी। इस मामले में एक्सपर्ट कहते हैं कि जमानत की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए मानदंड तय करने जाने चाहिए, खास तौर पर उस केस में जिसमें मुकदमे लंबे समय तक चलते हैं और आरोपी सालों से जेल में बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। दशकों से भारतीय न्याय तंत्र में सुधारों की जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन न्यायिक सुधार नहीं हो पा रहा है। जरूरत है कि केंद्र सरकार इस मामले में ध्यान दे और न्यायिक सुधार करे ताकि लोगों को समय पर न्याय आसानी से मिल सके। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? जरूर कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।